हेलो बच्चों, आज हम एक और नई कहानी सुनेंगे। तो आप बताओ कि वो कहानी कौन सी है? तो वो कहानी है तीन मछलियों के बारे में। बच्चों, इस कहानी में एक बहुत बड़ी नदी थी। नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए इसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास वो झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न भिन्न थे। पहली मछली का नाम था अन्ना। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। शेगर मछली थी प्रत्यु। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। तीसरी मछली थी यदि। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पंछियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया कि दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। तो एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें उसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। तो दूसरा मछुआरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। पहली अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटकेलिया कर रही होंगी। सेकंड मछली प्रत्यु मछली बोली कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा यहाँ आया कहाँ है, जो इतना घबराने की जरूरत है? हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। तो तीसरी मछली यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो आएंगे ही। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे ही। किस्मत में मरना ही लिखा हो तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आज देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खाली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उत बिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम में आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सांड को अपने ऊपर लपेट कर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सांप का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा, आह, ये तो कई दिनों से मरी मछली है। सही
सड़ चुकी है, ऐसे बड़बड़ाकर पूरा समूह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। तो सेकंड मछली पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर शंकर से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगा और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। तीसरी मछली यद्यपि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई। भाग के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। बच्चों अब बताओ कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।